दोस्तों, मैंने अपने इस वाले वीडियो में आपको बताया था ए सीरीज के पेपर साइज के बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको दी थी। उसके बाद मैंने अपने इस वाले वीडियो में आपको बी सीरीज के जितने भी पेपर होते हैं उनके बारे में जानकारी दी थी, उनके साइजेस के बारे में, यूजेस के बारे में आपको बताया था। लेकिन आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये वीडियो दोनों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये जो वीडियो है ये है सी सीरीज पेपर साइज के बारे में, जो कि ए सीरीज के पेपर और बी सीरीज के पेपर दोनों से ही रिलेटेड है। और ये जो सी सीरीज का पेपर है ना, ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो इस वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा, पहले कभी जाना होगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। से गाइस, मैं हूं सनी सौरभ और आप मेरे यूट्यूब चैनल सनी सौरभ टेक्निकल पे। दोस्तों, अभी मेरे हाथ में है सी सीरीज का C4 साइज का पेपर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सी सीरीज के पेपर के इस्तेमाल के बारे में कि आखिर ये किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि जब ए सीरीज का पेपर था ही, बी सीरीज का पेपर था ही, तो फिर क्यों सी सीरीज का पेपर लाया गया, मतलब कि ए सीरीज और बी सीरीज से सी सीरीज के पेपर का क्या रिलेशन है। उसके बाद फाइनली हम लोग जानेंगे सी सीरीज के जितने भी पेपर साइजेस हैं उसके बारे में। तो चलिए, बिना आपको कष्ट दिए और समय को नष्ट किए हम लोग चलते हैं और जानते हैं कि आखिर सी सीरीज का जो पेपर है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, जो सी सीरीज है वो मेनली यूज़ किया जाता है इन्वेलप के लिए, और पूरी दुनिया में ये ISO 269 के नाम से बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। ए सीरीज के बाद सी सीरीज ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर पेज में से आता है। अब बात कर लें कि आखिर इसका ए सीरीज और बी सीरीज से क्या रिलेशन है। तो मैं आपको बता दूं कि जो सी सीरीज का साइज होता है ना, वो ए सीरीज और बी सीरीज के सेम नंबर के पेपर का जो ज्योमेट्रिक मीन आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो होता है उसका एरिया। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि जैसे कि एक ए सीरीज का पेपर है और एक बी सीरीज का पेपर है, जैसे कि मान लीजिए A4 पेपर ही है और B4 पेपर ही है, तो इन दोनों का जो साइज होगा उसका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो होगा C4 पेपर का साइज। यहाँ पे मेरे पास अभी A4 साइज का पेपर है, B4 साइज का पेपर है और C4 साइज का पेपर है। तो सबसे पहले हम जानेंगे A4 और C4 साइज के पेपर के डिफरेंस के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो A4 साइज का पेपर है वो हाइट में थोड़ा सा छोटा है C4 साइज के पेपर से। वहीं अगर इसके चौड़ाई की बात कर ले तो ये चौड़ाई में C4 साइज A4 साइज से बड़ा है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे C4 और B4 साइज के बारे में कि आखिर इनमें क्या डिफरेंस है। तो आप देख सकते हैं कि जो हाइट है इसमें ऑलमोस्ट दोनों सेम है। वहीं अगर चौड़ाई की बात कर ले तो B4 साइज जो है वो बहुत ही ज़्यादा C4 साइज से चौड़ा है। तो अब हम लोग जानेंगे कि जो C4 साइज का इन्वेलप होता है उसमें हम लोग A4 साइज के लेटर को कैसे इंसर्ट करेंगे, आखिर किस तरह से रखेंगे। तो इसको जब हम लोग हाफ पर से फोल्ड कर दें तो ये बन गया हमारा एक इन्वेलप। तो अब अगर कोई लेटर है A4 साइज के पेपर आपने टाइप किया है, उसको आप लोग कैसे उसमें इंसर्ट करोगे, तो उसके लिए कुछ टेक्निक होता है, किस तरह से लेटर को फोल्ड किया जाता है वो आप यहाँ देख सकते हैं। इस तरह से इसको फोल्ड करना है लेटर को। अब आप इसको जब C4 साइज के इन्वेलप में डालोगे तो ये कंफर्टेबली आराम से इसमें आ जाएगा। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से यहाँ पे छोटा थोड़ा थोड़ा जगह बच रहा है और ऊपर से तो काफ़ी जगह बच रहा है। तो दोस्तों, अभी आप समझ गए होंगे कि जो सी सीरीज के पेपर हैं उसका मेनली इस्तेमाल जो है वो इन्वेलप के लिए ही किया जाता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आपने A4 साइज के पेपर में कोई लेटर टाइप किया है तो उसके लिए आपको C4 साइज का जो इन्वेलप है वो इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर क्या हो जब आपने लेटर टाइप किया हो C4 साइज के पेपर में, तो वहाँ पे आपको उसके लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा B4 साइज के पेपर का इन्वेलप। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे आपको B4 साइज का इन्वेलप यूज़ करना पड़ेगा, आप वहाँ पे उसका इन्वेलप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपको बताया है सी सीरीज के पेपर के इस्तेमाल के बारे में और उसका ए सीरीज और बी सीरीज से क्या रिलेशन है। अब हम लोग जानेंगे C0 से लेकर के C8 तक के पेपर के साइजेस के बारे में। Oh,
तो दोस्तों मैंने आपको सी सीरीज के बारे में हर जानकारी दे दी है कि उसका इस्तेमाल क्या है, उसका ए सीरीज बी सीरीज से क्या रिलेशन है और उसके साइजेस के बारे में सारे के सारे जितने भी नंबर हैं उसके साइजेस क्या हैं इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर देना, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।